हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है थर्सडे और आज के क्लॉक स्टार्ट जो हो रही है वो हो रही है 10:30 बजे से। अभी बज गए हैं 10:30। तो झाड़ू पोछा नाश्ता बर्तन सब काम हो चुका है। तो अभी मैं नहाई थी, दो मैं आई थी अपने कपड़े डालने के लिए छत में, तो सोचा ब्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अभी दिन की जो भी आगे की दिनचर्या होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी सब लगे हुए हैं अपने अपने काम करने पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग तो स्टार्ट करना ही है, तो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ का एक बार लोकेशन दिखाती हूँ कि यहाँ पे खेतों में कितनी अच्छी खेती कर रखी है लोगों ने, बगीचे बना रखे हैं मस्त फर्स्ट क्लास। चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, बीन्स, मूली, शलजम, ये सब कुछ लगा रखा है यहाँ पर, और उधर वाली क्यारी में भी। और यहाँ पर मम्मी लोगों ने भी छत में लगा रखी है लहसुन। तो देखिए कितनी अच्छी लहसुन हो रखी है यहाँ पर। ये देखिए जो ये सूट केस होता है ना, ये ख़राब हो गए थे तो इसी में मिट्टी भर दी और इसी में ही लहसुन लगा दी। तो देखिए कितनी अच्छी लहसुन हो रखी है। और यहाँ पे ये पुदीना धनिया लगा रखा है, और वो जो ऑयल के डब्बे होते हैं ना उसको काट करके ऐसा लगा रखा है मम्मी लोगों ने। तो हम लोगों की क्यारी भी है लेकिन दूर है, वहाँ मैं शाम को लेके जाऊँगी आप लोगों को। चलिए अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा सा मार्केट का काम भी है, वो काम भी करके आ जाते हैं, फिर मैं आपको भी मार्केट लेके चलती हूँ अपने साथ। तो चलिए फटाफट से। तो मैंने बड़े बनाने के लिए दाल पीस के रखी हुई थी कल, तो सोच रही हूँ मैं बड़े बना दूँ फटाफट से। तो कल बड़े बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि पकौड़िया वकौड़ियों में ही इतना टाइम चला गया कि बड़े रह ही गए। तो दाल पीस के रखी हुई है, तो अभी बनाते हैं हम पहले बड़े। तो फटाफट से बड़े तल के फिर जब खाने होंगे तब उन्हें बना लेंगे। तो चलिए फिर करते हैं काम, अभी 10:15 बज रहे हैं। तो मार्केट जाने से पहले हमने सोचा कि खाने का जो लंच का है वो करके जाते हैं। तो आज बनेगी थिचौड़ी। तो ये घर के आलू हैं, तो छोटे छोटे से हैं, इनकी थिचौड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मम्मी यहाँ पे इसमें कूट रही है इन आलुओं को। तो वही है कि बाहर से फिर थकान लग जाती है, तो ये है कि चावल पापा चढ़ा देंगे और ये मैं बना दूंगी। तो इधर मैं और कामों के साथ साथ बड़े भी तल रही थी, तो ये बड़े भी मैंने आधे तल दिए थे और आधे तलने के लिए रखे हुए थे। तो बस यही है कि बना के रख दूंगी मैं बड़े, जब खाने होंगे तब दही वही मिक्स कर लेंगे, बाकी चटनियाँ वगैरह सब कुछ बन रखी हैं। तो आज सुबह मैंने बनाया था पोहा, और पोहे के साथ साथ ना मैंने ये इमली की चटनी भी तैयार कर दी थी, तो ये भी बन गई है। अभी मम्मी ये पुदीना और ये लेके आई हैं धनिया, तो इसको भी पीसेंगे अभी। तो फटाफट से ये भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी ने आलू कूट के दे दिए हैं, तो अब मैं बनाऊँगी इसके बाद आलू का थिचौनी। तो हो गई थी मैं तैयार मार्केट जाने के लिए, और मार्केट से हम जाएंगे मौसी लोगों के घर पर उनको मिलने के लिए। तो बस चलते हैं अभी मार्केट की तरफ। तो अभी गेहूँ पिसवाने के लिए दे रहे हैं हम मार्केट में, और घर के गेहूँ हैं, और मेरी साथ में पायल के जो घुंघरू होते हैं वो निकल गए थे। तो मैं और मम्मी आए थे सुनार के दुकान में, और ये देखिए ये जो बड़े भैया हैं, मौसी के बड़े बेटे हैं, उनकी बेटी है, तो इनके लिए अभी होली नहीं गई है। तो और लोगों को थोड़ा कैमरे के आगे आने में अजीब सा लगता है, इस वजह से नहीं आते हैं कैमरे में। तो बस हम मौसी लोगों से मिलके फिर आए नर्सरी में, हमको लेने थे कुछ पेड़ पौधे, तो बस वही देख रहे हैं। तो नर्सरी में आए थे,
तो यहाँ पे ना नींबू के पेड़ भी रखे हुए थे, जो बोनसाई होते हैं ना नींबू के पेड़, वो छोटे से होते हैं लेकिन उसमें नींबू बहुत सारे लगते हैं, तो वो भी थे। तो मेरा मन हो रहा था मैं ले जाऊँ इसे लेके, लेकिन कॉस्टली था। यहाँ पर हल्द्वानी में 100 रुपी का था और यहाँ पे 220 का था। तो बस हमने थोड़े बहुत जो फूल वूल के पौधे दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम मार्केट से और काम निपटा दिया है, तो अभी जल्दी से करते हैं लंच और चेंज करते हैं। तो गाइस, दिन में बहुत ही ज़्यादा थकान लगने के बाद मैं आके खाना खा के सो गई थी और नींद भी बहुत ही ज़बरदस्त आई। तो अभी पता नहीं सब लोग कहाँ पर हैं, इधर उधर, तो मैं बना रही हूँ अभी चाय, और चाय के साथ साथ मेरी इमली की चटनी भी बन रही है दही बड़ी बनाने के लिए। तो इमली की चटनी मैंने सुबह बना दी थी लेकिन पता है मैं गुड़ डालना भूल गई थी, इसलिए अब मैंने उसमें गुड़ डाला है। तो वैसे अभी बन रही है चाय और अभी 5 बज रहे हैं और आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो ये बन रही है चाय, इधर बन रही है चटनी, तो गुड़ डाल दिया है मैंने इसमें। तो चटनी बना के चाय पी के मैं आ गई थी क्यारी में, मम्मी यहीं क्यारी में ही थे, पानी डाल रही थी, तो मैं भी आ गई हूँ। तो देखिए आप लोग हमारी क्यारी को, तो यहाँ पर मम्मी ने ये स्वीचर के जो पेड़ होते हैं ना, मतलब 20 से वो बो रखे थे, वो भी अच्छे हो रखे थे, और प्याज लहसुन और ये सब भी कुछ लगा रखा है यहाँ पे, बैगन वैगन के तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, धनिया भी हो रखा है। तो घर की जो चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल होती हैं, उनका टेस्ट भी अलग ही होता है। तो कुछ नहीं है, तो मतलब वही है कि जब भी कोई सब्जी ना हो ना, तो चलो खेत से निकाल के प्याज के पत्ते ले आओ या कभी कुछ ही ले आओ, तो उस हिसाब से फिर बनी जाती है सब्जी। तो बस अभी यहाँ पे मम्मी बैठ रखी थी अपने दोस्तों के साथ, तो मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ पानी। तो बस मैं पानी डाल रही थी, पानी डालना क्या होता है यहाँ पे, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो सुबह से पाइप लगाना पड़ता है, तब जाके शाम तक क्यारियाँ भर पाती हैं। तो बस क्यारियों को ना भर के छोड़ना पड़ता, मतलब क्यारियों में जो पाइप होता है वो डाल देना है और फिर बैठ जाना है, फिर आधे पौन घंटे बाद देखने आना है कि क्यारी भर गई है कि नहीं भरी है, क्योंकि प्याज में काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, तो इस वजह से। तो एक क्यारी भर गई थी तो मैंने फिर दूसरे क्यारी में डाल दिया पानी, पाइप छोड़ दिया है वहाँ पर, तो वो भर जाएगी क्यारी, फिर ऐसे करके पानी डाला जाता है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का शौक मुझे तो है, क्योंकि आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में, जो हल्द्वानी में मैंने भी थोड़े बहुत बैग्स में लगाए रहते हैं अपने पेड़ आप जात तो है, देखो पौधे अपने आप सब्जी जात तो। वब्जी, तो मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो मैं आई, फिर मैंने कहा चलो मैं अब भी देख कल के आती हूँ बनाना, कि क्या क्या लगा रखा है मम्मी ने, क्या क्या बो रखा है वहाँ पर। कच्चा मत तोड़ यार, उन्होंने वैसे उगा रखा है प्याज। तो पत्ते नीचे का प्याज को फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उससे? कुछ क्या फर्क पड़ रहा है, सब्जी वाले बेचते नहीं है क्या? हाँ तो ठीक है फिर। चलो, ये क्या मेथी हो रखी है, हाँ है। ये क्या है? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या। चलो चलो फिर। तो फिर क्यारी में पानी डाल के मैं सीधे आई मार्केट, और मम्मी लोगों की दवाइयाँ लेनी थी, तो बस वो दवाइयाँ ले के फिर अब मैं घर जाऊँगी, फिर बनाऊँगी खाना। तो बस यहाँ पे वही दवाइयाँ ले रहे थे, तो बस आ गई हूँ मैं घर, और अभी बन रही है पालक पनीर की सब्जी। पालक मैंने उबाल के रखा हुआ था फ्रिज में पहले से ही, तो ये पीस लिया है मम्मी ने, और अभी बनाएंगे हम पालक पनीर की सब्जी। तो बस दोस्तों वही हो रहा है यहाँ पर, मार्केट का काम, फिर मार्केट से घर आओ, फिर यही सब खाना वाना सब यही हो जाता है घर में जो रहता है उसके लिए, मेरे लिए और मम्मी के लिए तो खासकर बहुत ही ज़्यादा हो रखा है किचन का काम। किचन से मतलब हम लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, एक बार का बना रहे हैं, फिर दूसरी बार का, फिर तीसरी बार का, फिर ये ऐसे ही हो जा रहा है। तो बस अब आगे का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं अभी। तो व्लॉग का एंड मैं अभी यहीं पर करती हूँ, मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।